जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति माता छाया परिवार में। दर्शकों, आज का विषय है कि अगर कुंडली के अंदर चंद्रदेव की महादशा चल रही है तो क्या करें जिससे जो है चंद्रदेव की महादशा हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाए। दर्शकों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कोई ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 90125917557 पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो के आगे कि चंद्रदेव की महादशा में ऐसा क्या करें कि जिससे धन वृद्धि, मान वृद्धि, सम्मान वृद्धि, वाहन वृद्धि, भूमि वृद्धि, भवन वृद्धि, जॉब में तरक्की, दाम्पत्य सुख में वृद्धि, सभी संकटों से हमें मुक्ति प्राप्त हो। तो चंद्रदेव की महादशा कुंडली के अंदर 10 वर्ष की होती है और चंद्रदेव वृष राशि में, दो नंबर की राशि में, वृष राशि में उच्च गए हो जाते हैं। और चंद्रदेव जो है वृश्चिक राशि में नीच के समान फल देते हैं, यानी कि वो उनकी नीचतम राशि होती है वृश्चिक राशि। अब बात करते हैं कि चंद्रदेव की महादशा में क्या करें। देखो, चंद्रदेव की महादशा कुंडली में चल रही है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि भाई आपकी कुंडली में चंद्रदेव कौन सी राशि में, क्योंकि चंद्रदेव जिस राशि में बैठते हैं वही आपकी राशि हो जाती है। चंद्र राशि कहां विराजमान है और उसके बाद में चंद्रदेव का अंशफल कितना है। और चंद्रदेव चूंकि 24 घंटे के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं और तो चंद्रदेव का अंशफल देखना अति आवश्यक है। चंद्रदेव का एक और विशेष यहाँ पर पहलू देखना अति आवश्यक है कि चंद्रदेव कौन से पक्ष के हैं, कृष्ण पक्ष के हैं या शुक्ल पक्ष के हैं, अम्बावस के करीब के हैं या पूर्णमासी के करीब के हैं, तो ये देखना अति आवश्यक है। इसके संग संग चंद्रदेव के एक घर आगे, चंद्रदेव के एक घर पीछे कौन ग्रह विराजमान है, चंद्रदेव पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रदेव कहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि चंद्रदेव को मुख्यतः एक दृष्टि प्रदान है कि वो अपने से सप्तम हाउस में वो दृष्टि डाल रहे हैं। ये सब चीजें देखना अति आवश्यक है। ये सब देखने के बाद में बिल्कुल सही आकलन लगाया जा सकता है कि आपको कौन सा उपाय, कौन सी रेमेडीज करना चाहिए। इसके लिए आप अपनी कुंडली विश्लेषण और अध्ययन करवा सकते हैं। अब कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जिसको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम, चंद्रदेव की महादशा में मां की सेवा जरूर करें। अगर जिनकी मां ना हो तो सास की सेवा करें। अगर जिनकी मां और सास दोनों ना हो तो जो कोई बुजुर्ग महिला हो, औरत हो, चाहे रिलेटिव हो, रिश्तेदार में या कहीं बाहर की हो, तो उन लोगों की सेवा जरूर करें। प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर दूध से भगवान शिव की जो पिंडी होती है, यानी शिवलिंग होता है, उसका अभिषेक जरूर करें और भगवान शिव की चालीसा, भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का नित्य नित्य जाप करते रहें। और विशेष बात क्या है कि अगर कभी भी मौका मिले तो माँ को चांदी के आभूषण जरूर उपहार के रूप में दें। ऐसा करने से चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। पूर्णमासी का आप व्रत रख सकते हैं, एकादशी का आप व्रत रख सकते हैं। पूर्णमासी को आप चंद्रदेव को, जब पूर्णमासी में चंद्रदेव पूरे होते हैं, पूरा गोल आकृति होती है, तो दुग्ध का अर्घ उनको देख के रात्रि के समय में उनको अर्पित कर सकते हैं। चंद्रदेव का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का नित्य जाप कर सकते हैं। या चंद्रदेव का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या ओम चंद्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये कुछ विशेष उपाय करने से जो है आप चंद्रदेव की महादशा को अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर चंद्रदेव की महादशा अच्छी होती है, चंद्रदेव की महादशा जैसे अच्छे भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति के पास मन की शांति,
वाहन, भूमि, भवन, दाम्पत्य सुख, माँ का सुख, पत्नी का सुख बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर चंद्रदेव पे कहीं से राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे में क्या होता है, मन की जो शांति होती है वो भंग हो जाती है। ऐसे लोगों को चंद्रदेव की महादशा में अस्वस्थ रहना, निगेटिव एनर्जीज जिसको बोलते हैं नकारात्मक ऊर्जा, सीधी बात करी जाए तो प्रेत, भूत, पिशाच, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष बहुत जल्दी लगता है। इसी अवस्था में अगर चंद्रदेव का संबंध किसी भी प्रकार से शनिदेव का बन जाता है, शनिदेव की दृष्टि या शनिदेव के आमने सामने बन जाता है या शनिदेव की युक्ति, तब भी ये स्थिति उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ जो विषैले जीव होते हैं, जैसे सांप हो गया, आपकी छिपकली हो गई, जो बरैया मधुमक्खी होती हैं, ये इनका, बिच्छुओं का इनका खतरा ज्यादा बन जाता है। अब चंद्रदेव पे कहीं से अगर केतु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु का संबंध बन जाता है, तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति की नींद भंग हो जाती है। रात्रि में कोई निगेटिव एनर्जी है वो आप जरा सा ध्यान करोगे वो आपकी तरफ खिंची चली जाएगी, भूत प्रेत पिशाच ऐसा लगता है कि जैसे आपके आसपास हो और वो चल रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं चंद्रदेव की महादशा में। अगर चंद्रदेव की महादशा में अगर कहीं से चंद्रदेव पे सूर्यदेव, चंद्रदेव से पे जो है शनिदेव, केतुदेव, राहुदेव की दृष्टि पड़ जाती है। अब चंद्रदेव के अगर सूर्यदेव के आसपास हैं, सूर्यदेव के आसपास हैं, अम्बावस का समय आसपास है, आपका जन्म हुआ है, तो ऐसी अवस्था में क्या है कि माँ और पिता किसी एक का सुख ही प्राप्त हो पाता है, ज्यादातर केसों में देखा गया है अध्ययन के रूप में। और अगर माता पिता दोनों होते हैं तो बच्चा कभी माँ के पास कभी पिता के पास रहता है, ऐसी स्थिति भी बन जाती है। चंद्रदेव की अगर कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है और महादशा चल रही है, तो ऐसे लोग मानसिक रोग के भी शिकार हो जाते हैं, यानी कि उनको मानसिक अस्पताल यानी कि पागलखाने में भी भर्ती करना पड़ सकता है। तो ये है चंद्रदेव की महादशा में। आप चंद्रदेव की महादशा में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो पॉजिटिव है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, और चंद्रदेव आपकी कुंडली में अगर पॉजिटिव है तो आपका मन एकाग्र होता है, आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर की तरफ आप जाते हो, जो भी काम करते हो पूरा आप लक्ष्य भेदन के रूप में काम करते हो, यानी कि जिसको ठान लिया वो करते हो आप पूरा। क्योंकि एक कहावत कही गई है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, ठीक है। तो चंद्रदेव को ज्योतिष में मन भी माना गया है, क्योंकि चंद्रदेव को मन इसलिए माना गया है कि चंद्रदेव जो है नित्य कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में घटते बढ़ते हैं, तो इसलिए उनकी जो गणना है वो मन के रूप में गई है, क्योंकि मन यहां कभी मन वहां कभी मन वहां। तो आशा करता हूं जो मैंने आपसे अनुभव शेयर किया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ, आपका समय शुभ हो।